गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित अग्रसेन भवन में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। यहां पहुंचे सभी लोगों ने ब्लड डोनेट किया। आपको बता दें कि ये ब्लड आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल भी किया गया है, और जो ब्लड यहां इकट्ठा होगा वो सरकारी अस्पताल में उन मरीजों को दिया जाएगा जिन मरीजों को किसी बीमारी के दौरान रक्त की जरूरत है, उनको दिया जाएगा। बता दें कि तकरीबन 500 लोगों ने यहां ब्लड डोनेट किया है। ये कैंप सुबह से ही शुरू कर दिया गया था और यहां पहुंचे सभी लोग ब्लड डोनेट कर और ब्लड डोनेट करने पर बहुत उत्साहित हैं। हमारी बात हुई यहां पर मौजूद प्रचारक श्री बग्गा जी से। उन्होंने बताया कि ये कैंप तकरीबन 22 सालों से यहां लग रहा है और ईश्वर की कृपा से आगे भी लगता रहेगा। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों की मदद करने में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन हमेशा आगे रहा है और ऐसे में ब्लड डोनेशन कैंप चलाकर और यहां पर एकत्रित हुए रक्त को सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंदों को पहुंचाकर उनके दिल को सुकून पहुंचता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिला गाजियाबाद नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। गाजियाबाद अग्रसेन भवन में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इस समय मौजूद हैं हम अग्रसेन भवन में और आप देख सकते हैं ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से और यहां पर सौयों लोग पहुंचे हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है। और ये लोग वो हैं जो यहां के आम लोग हैं, इनको बता दिया गया था कि ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, जिसके बाद यहां पर सभी ने अपना उत्साह दिखाया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, हम बात करेंगे। आप बताएं, ब्लड डोनेट किया है आपने, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा फील हो रहा है इसे देने से। क्या कारण है ब्लड डोनेट करने का, मुख्य कारण? ब्लड डोनेट से ये होता है अपने स्वास्थ्य भी सही रहता है और दूसरे के लिए बेनिफिट होता है, मतलब एक करते हैं। निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं आप और ऐसे में आपने यहाँ सुबह से काम भी किया है, साथ ही साथ ब्लड डोनेट भी किया है, क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा लगता है आप यहाँ पर सेवा करना और ब्लड डोनेट करना, ये बाबा जी की कृपा है जो हम ये सब चीज़ कर पाते हैं। इस चीज़ को बाबा जी की कृपा से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया है उसके द्वारा ब्लड डोनेट किया जा रहा है। एक महिला भी हमारे साथ इनसे बात करेंगे। मैम, गर्मी का माहौल है, ऐसे में घर से निकलना और ब्लड डोनेट करना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। किसी के लिए अगर हमारे ब्लड से मदद हो सकती है कि तो हम क्यों ना करें, इसीलिए हमें अच्छा लगता है। ब्लड डोनेट करने का ये होता है कि यदि किसी को ज़रूरत है तो हमारे ब्लड जो कि बाद में बन जाता है और उसे अगर हम दान करते हैं तो किसी के काम आ सकता है। किसके भी काम आ सकता है, कभी हमारे भी काम आ सकता है, इसीलिए हम डोनेट। रक्तदान महादान माना जाता है क्योंकि रक्तदान यदि हम करते हैं तो किसी की अगर ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ती है एक्सीडेंटल या किसी बीमारी को लेकर, तो यहाँ से रक्त उसके लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। और इसी के चलते यहाँ पर जो लोग हैं वो भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। अब तक तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। सर, ब्लड डोनेट करने के लिए आप आए हैं, गर्मी का माहौल है, वैसे ही लोग परेशान हैं, ऐसे में ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। हाँ, मैं कोई सन 1978 से 79 से उम्र खून देता आया हूँ। क्या करते हैं सर आप? मेरी फैक्ट्री है। हाँ, ब्लड डोनेट माना जाता है, महादान माना जाता है क्योंकि किसी के जीवन को बचाता है अगर उसको समय पर रक्त मिल जाता है, ऐसे में आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हाँ, क्या सीख मिली थी, कहाँ से सोची? बस ये निरंकारी बाबा जी से, निरंकारी मंडल माता जी इस समय आशीर्वाद दे रहे हैं, सब कुछ उन्हीं की देन है। जो हम जी भी रहे हैं, सांस भी मिल रही, उन्हीं की देन है सारा कुछ। एक मैं खत्म होती है, अहंकार खत्म होता है, प्रदूषण खत्म होता है। कब से कर रहे हैं सर आप ब्लड? ये कोई सन 1978-79 से। हाँ, अमृतसर में देता आया, इधर भी दे रहा हूँ। हाँ, 30 साल हो गए मुझे यहाँ देते हुए। ये शख्स जो कि बता रहे हैं सन 1978 से ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ऐसे में कई लोगों की जान बची होगी जाहिर तौर पर इनके ब्लड से जो इन्होंने डोनेट किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रचारक हैं यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप के, जो प्रचारक हैं मिस्टर बग्गा, जिनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर, आप प्रचारक हैं मिस्टर बग्गा, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, कितने लोगों ने अब तक ब्लड डोनेट किया है और आखिर ये ही सीख क्यों आती है, मतलब ब्लड डोनेट के लिए ही आखिर? सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और धन निरंकार। ये जो मिशन हमारा निरंकारी मिशन के अंदर एक संस्था काम कर रही है जो कि संत निरंकारी चैरिटेबल
फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत ये जो है ब्लड डोनेशन का आज आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत 1986 में की गई और ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने, जो हमारे गुरु थे, तो उन्होंने इसकी शुरुआत करवाई कि उन्होंने ये स्लोगन लगाया कि ये जो ब्लड है ये इंसान की नाड़ियों में दौड़ेगा, ना कि नालियों में बहे। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि संसार के अंदर कितनी मार धाड़ चल रही है और एक दूसरे की बात हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने हमें सिखाई कि सबसे पहले आप अपने मन के अंदर एक संकल्प लेके चलो कि हमने सबका भला सोचना है। गाजियाबाद में सर लगातार आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, अग्रसेन भवन ही यहाँ पर ही लगाते हैं हर साल, इस बार कैसा आपको मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है, गाजियाबाद के कितने लोग आए हैं? देखो जी, हर बार हम लगाते हैं तकरीबन हमारा 250-300 के करीब लोग जो है ब्लड डोनेट करते हैं और देने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो अरेंजमेंट करने वाली एजेंसीज हैं उनके पास इतनी किट नहीं होती हैं, नहीं तो अगर ये तो पता नहीं 500 के करीब भी चला जाए। इस सारे ब्लड का जो यहाँ डोनेशन किया जा रहा है अस्पताल में जमा होता है और जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है? ये सरकारी हॉस्पिटल वाले आते हैं और ब्लड वही लेके जाते हैं और जब ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम जिसको भी ज़रूरत है उसके लिए जो ब्लड जो है काम किया जाता है, जिसको भी ज़रूरत है जाहिर तौर पर उसे दे दिया जाता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में ये सभी जो ब्लड है जो डोनेट किया जा रहा है वो रखा जाता है। मिस्टर बग्गा ने जानकारी दी, ये यहाँ पर आए थे और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो लोग यहाँ पर आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए निरंतर, वो सालों साल से यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ऐसे ही गाजियाबाद में कैंप लगता रहता है अग्रसेन भवन में, कई सालों से ये काम चल रहा है और जो यहाँ से ब्लड जमा होगा वो सरकारी अस्पतालों में दे दिया जाएगा, जिससे जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको मुहैया करा सके आसानी से। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई कि यदि संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट अगर आप देखते हैं तो आप भी ब्लड डोनेशन कैंप में आकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिससे अगर ज़रूरत पड़े तो किसी की जान बचाई जा सके। अपने सहयोगी हिमांशु के साथ जितेंद्र भाटी, लाइव 24, गाजियाबाद।